आई एम ललिता एंड यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इन लास्ट थ्री लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप और वी कैन से दैट वी हैव डिस्कस्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। In this video, we are going to discuss industrialization in colonies, or you can say in concept of India. Because in first video, I have told you that we are going to discuss about this chapter in two phases. First, concept of Europe, and second one, concept of India. Okay, so move on our this concept. Next, जो हमारा ये point है That is industrialization in colonies. Industrialization in colonies means जो industrialization है या you can say कि जो मशीनीकरण है या जो mass production है किस तरह से colonies में setup हुआ, किस तरह से colonies में उसका effect हुआ. So first of all you have to know about what is colony. Colony क्या है? The country which is under the control of another country. दूसरे कंट्री के कंट्रोल में जब कोई कंट्री होता है दैट इज द कॉलोनी ऑफ दैट कंट्री और जो कंट्रोल करता है दैट इज कॉलन और यू कैन से कॉलोनाइजर। ओके, तो इंग्लैंड वाज कॉलोनाइजर एंड इंडिया वाज कॉलोनी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द इंडियन टेक्सटाइल, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इसके बाद ही हम जाएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। हमें पहले का फेज समझना पड़ेगा बिकॉज दिस इज हिस्ट्री और हिस्ट्री को हमें रूट से लेना पड़ेगा कि क्या कंडीशन थी और किस तरह से पहले जो प्रोडक्शन होता था वो किस तरह से होता था। लेट मी टेल यू कि जो प्रोडक्शन इंडिया में जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था वो वर्ल्ड फेमस था और जो इंटरनेशनल मार्केट था उसमें इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इंडियन टेक्सटाइल कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल जो भी इंडस्ट्रीज आप यूं कह सकते हैं कि हाथ से जो कपड़ा बनाया जाता था या इवन कॉटन इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता था, इवन कॉटन के लिए और कॉटन क्लॉथ्स के लिए मर्चेंट जो कि आर्मेनियन मर्चेंट्स एंड पर्सियन मर्चेंट्स यहां से अफगानिस्तान और अदर कंट्रीज में यहां से ले जाते थे, ट्रेड करते थे थ्रू द पासिस, माउंटेन पासिस, यू नो वेरी वेल माउंटेन पासिस। ये जैसे इस तरह से माउंटेन होते हैं और ये बीच का जो वैली वाला रीजन होता है, वैली लाइक रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड पासिस। तो इसमें से ये लैंड के थ्रू जो ट्रेड होता था वो पासिस के थ्रू होता था और पंजाब से, पंजाब क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जब कंबाइंड थे तो पंजाब का रीजन बहुत बड़ा था, तो जो वेस्टर्न पार्ट था वहां से जो ट्रेड होता था वो अफगानिस्तान और पर्शियन कंट्रीज में होता था, राइट? इसके बाद सेकेंड जो ट्रेड होता था वो होता था सी ट्रेड, जो पोर्ट्स के थ्रू होता था। पोर्ट्स के थ्रू मोस्ट फेमस पोर्ट्स वर एट दैट टाइम, दीज आर आल्सो नोन एज प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। प्री कॉलोनियल पोर्ट्स इनको क्यों कहा जाता है बेटा? प्री कॉलोनियल पोर्ट्स, प्री कॉलोनियल पोर्ट्स इन्हें इसलिए कहा जाता है कि जब कॉलोनियल पीरियड था उससे पहले भी पोर्ट से जो ट्रेड होता था वो ये पोर्ट थी और ये बहुत ज्यादा ट्रेड लोड था इनके ऊपर। दोजार सूरत इन गुजरात एंड मसूली पटनम दैट इज एट द कोरोमंडल कोस्ट इन आंध्र प्रदेश, दैट इज टुडे नाउ डे इफ यू टॉक अबाउट विशाखापट्टनम पोर्ट, ओके, दैट इज मसूली पटनम एंड देन हुगली पोर्ट दैट इज इन बंगाल, दैट यू कैन से नियर बाय कोलकाता। ओके, दीज थ्री पोर्ट्स आर वर नोन एज प्री कॉलोनियल पोर्ट एट दैट टाइम। और यहां से सूरत से जो ट्रेड होता था, सूरत से पर्टिकुलरली ट्रेड होता था रेड सी की तरफ और गुल्फ कंट्रीज की तरफ, और जो मसूली पटना और हुगली पोर्ट से जो ट्रेड होता था वो साउथ ईस्टर्न एशियन पोर्ट्स की तरफ जो ट्रेड होता था वो इन पोर्ट्स के थ्रू होता था, मसूली पट्टनम और हुगली, राइट? इसके बाद हम बात करते हैं कि एक स्टेक होल्डर्स की, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट उस टाइम डायरेक्ट जो ट्रेड होता था डायरेक्ट वीवर से नहीं होता था,
बाद में हालांकि ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था, ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट वीवर से कांटेक्ट किया था, बट उससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो उससे पहले क्या होता था, जो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फार्मर की, फार्मर क्या करेगा, कॉटन प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद वीवर उससे थ्रेड बनाएगा या कपड़ा बनाएगा। और उस टाइम मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स भी टू टाइप के होते थे, एक तो मर्चेंट्स होते थे जिनको ब्रोकर कहते थे, और एक मर्चेंट्स वो होते थे जो वीवर से और प्रोड्यूसर से कपड़ा लेते थे और दूसरे मर्चेंट को। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ये एमपी का रीजन है, अगर मैं बात करूं इस एरिया की, ये एमपी का रीजन है, और जो यहाँ अगर हम बात करें ये गुजरात की सूरत पोर्ट है। ओके, तो यहाँ से जो ट्रेड हुआ, यहाँ से कोई मर्चेंट है जिसने यहाँ से इन वीवर से ले लिया, और यहाँ एक और मर्चेंट है जिसको हम ब्रोकर कहेंगे, वो यहाँ पे जो वीवर से जिस मर्चेंट ने लिया था उसने लाके ब्रोकर को दे दिया, और ब्रोकर ने लाके इसको पोर्ट पे जो शिपर्स होते थे, या यू कैन से जो डायरेक्ट अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, वहां से वहां पे लाके दे दिया। ओके, तो ये एक चेन होती थी जिसके थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता था इन अदर कंट्रीज थ्रू द पोर्ट्स, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ये ईयर जो मैंने लिखे हैं 1690, आपकी बुक में दे रखा है कि लास्ट 17th सेंचुरी, लास्ट डिकेड से लेके और 1740s तक, यानी कि अबाउट 50 इयर्स, 50 इयर्स का ये टाइम ड्यूरेशन क्या है। देखिए यहाँ पे जो ये पॉट्स हैं, पहले जब कॉलोनियल टाइम था उससे पहले की अगर हम बात करें तो जो इंडियन मार्केट था वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश था, और कोई भी जो अदर कंट्रीज के जो लोग आते थे ट्रेड करने के लिए वो यहाँ अट्रैक्ट होते थे ट्रेड के लिए। और इंडिया को उस टाइम ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, हर कोई बहुत ज्यादा समृद्ध था, हर कोई बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर रहा था, सब खुशहाल थे, लोग अपना अच्छे से काम कर रहे थे। सो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन पोर्ट्स पे तो ब्रिटिश जो थे उनकी चलती नहीं थी, या वो इस पे अपना बहुत जल्दी इन पे डोमिनेशन नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी अलग से पोर्ट डेवलप की, क्योंकि बॉम्बे उनके कंट्रोल में था। अब बॉम्बे के एक, ये आपके बुक में नहीं है, मैं एक छोटा सा आपका एग्जांपल देता हूँ, बॉम्बे उनके कंट्रोल में क्यों था, क्योंकि एक ब्रिटिश राजा को बॉम्बे दहेज में मिला था ऐसा कहा जाता है, और बॉम्बे पे उनका पूरा कंट्रोल था, तो बॉम्बे वहां उन्होंने एस्टेब्लिश की बॉम्बे को एज ए पोर्ट। यू नो वेरी वेल बॉम्बे कहाँ पे है, कोस्ट पे है, और वहां उन्होंने एक पोर्ट डेवलप की, और ज्यादातर जो इसका ट्रेड था, सूरत पोर्ट का ट्रेड था, वो कम हो गया, डेक्लाइन हो गया, किस वजह से, बॉम्बे पोर्ट के डेवलप होने की वजह से, और एक और पोर्ट डेवलप की कलकत्ता, जो आज कोलकाता है वो कलकत्ता था उस टाइम, और जो मुंबई है वो बॉम्बे था। बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट ब्रिटिशर्स ने डेवलप की, और इसकी वजह से 1690 से लेकर 1740 तक 6 मिलियन रुपीज का जो ट्रेड होता था 1690 तक, वो डेक्लाइन होके ओनली 3 मिलियन रुपीज का रह गया। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेक्लाइन हुआ ये किस वजह से हुआ, कि जो पोर्ट्स है वो किस में कन्वर्ट हो गई, बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट में। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट, यहां तक आपको क्लियर हो गया। ओके, यहां वीवर्स की कंडीशन देखिए, वीवर्स की कंडीशन अच्छी है, अभी भी वीवर्स अपने जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। What happened to weavers? Weavers के साथ क्या हुआ? अगर मैं बात करूं, आपने, आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उस टाइम तक इंडिया में जो नवाब्स थे, या यू कह बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, ओके 1757 में। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, और 1765 में अंग्रेजों ने पूरी तरह से बंगाल की दीवानी अपने हाथ में ले ली थी, कोलकाता उनके कंट्रोल में चला गया था, और धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकली अपना एक डोमिनेशन किया, उसके बाद इनके कंट्रोल में आए। लेकिन जो 1760s तक की अगर बात करें तो वीवर्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी। और वीवर्स की कंडीशन अच्छी क्यों थी, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमने क्लियर किया कि कहाँ से ट्रेड होता था, वो मोस्ट पॉपुलर जो इंडिया का टेक्सटाइल था वो पॉपुलर था, पोर्ट्स कौन सी डेवलप हुई, तो इनको आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, कब की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि जब इंडिया में जो ब्रिटिश है वो ट्रेड करना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। 1760 से पहले, जैसे मैंने आपको बताया 1750 तक तो
कंडीशंस वीवर्स की बहुत अच्छी थी उस टाइम तक। आपको भी पता है इन यूरोपियन कंपनीज में, यूरोपियन पावर्स में आपस में स्ट्रगल चलता रहा था। कभी पुर्तगीज आते हैं, फ्रेंच आते हैं, हॉलैंड से डच आते हैं और ब्रिटिशर्स और ऑफ कोर्स से। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब आप एक बात बताइए मुझे, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, मार्केट में आपके आसपास, या यूं कहें कि आपके आसपास कोई मार्केट है, उसमें एक शॉप है और वहां पे आपको कुछ सामान खरीदना है, ठीक है, चार दुकानें हैं, चारों दुकानों पे सेम जो गुड्स हैं वो सेम है। तो शॉपकीपर क्या कहेगा, ये सामान ले लो जी, मैं इतना डिस्काउंट कर दूंगा, ये सामान ले लो, ये सामान ले लो। यानी कि वहां पे कॉम्पिटिशन है, हर कोई अपना सामान बेचना चाहता है, तो उसके लिए उसको जो प्राइस है वो कम प्राइस में भी बेचना पड़े तो वो बेचेगा, राइट। सो यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन था बहुत सारी, जैसे पावर्स मैंने आपको बताई, फ्रेंच थे, डच थे, पुर्तगीज थे, ब्रिटिशर्स थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना मार्केट चलाने के लिए उन्होंने वीवर्स से जो कपड़ा खरीदते थे, वीवर्स से जो थ्रेड या कपड़ा खरीदते थे वो, तो वो जो वीवर्स कहते थे ना उसी रेट पे वो ले लेते थे। उनको पता था कि यहाँ का जो कपड़ा है वो पॉपुलर है, यहाँ का कपड़ा मार्केट में पॉपुलर है और इससे हमें बेनिफिट होने वाला है। तो और ये जो वीवर्स थे ये भी उस टाइम बहुत ज्यादा कमा रहे थे क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हमारे सामने, हम तो इतने में बेचेंगे, बार्गेनिंग करते थे ये, इतने में बेचेंगे, आपको लेना हो तो ठीक है, नहीं लेना तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इनका कॉम्पिटिशन, मार्केट में कॉम्पिटिशन था, तो इस टाइम तक इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। अब यहाँ जब 1760 के बाद की बात करते हैं, या बैटल ऑफ प्लासी के बाद की बात करते हैं, या हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बाद पूरी तरह से, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ऑफकोर्स 1760s तक आते आते ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, ओनली ट्रेड के लिए परमिशन ली, जो भी राजा रानी थे, मैंने जैसे पिछले वीडियोस में भी बताया, हॉकिंस आए थे और उन्होंने परमिशन ली थी जहांगीर से, तो राजाओं से इन्होंने परमिशन ली। और हमारे जो राजा थे वो बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के थे, परमिशन दे देते थे, उनको भी लगता था कि कुछ बेनिफिट हमें भी होगा अगर ट्रेड होगा तो। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये नहीं पता था कि पॉलिटिकली भी यहाँ पे कंट्रोल कर लेंगे। सबसे पहले बंगाल की पावर इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ली थी, और ब्रिटिशर्स ने पावर हाथ में लेते ही कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए थे। इन्होंने क्या डिसीजन लिए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल कंट्रोल करने के बाद, अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जब एस्टेब्लिश कर लिया, अपने पपेट को वहां पे राजा बना दिया। हालांकि राजा बनाया और नवाब बनाया ये ऑफ कोर्स इंडियन पीपल थे, लेकिन वो पपेट थे ब्रिटिशर्स के, और जैसा ब्रिटिशर्स कहते थे उनको वैसा एक्सेप्ट करना पड़ता था, उनको मानना पड़ता था। तो सबसे पहले यहाँ पे टू कंडीशंस इन्होंने, जो इंडियन ट्रेड था उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो बैंकर्स थे, या एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि बैंकर्स का और मर्चेंट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किस तरह से था, तो मैंने ये आपको यहाँ पे मर्चेंट्स का और बैंकर्स का क्या था कि बैंकर्स जो पैसा देते थे और वो हो गए बैंककरप्ट, यानी उनके पास पैसा नहीं था, तो जो मर्चेंट्स थे, जो वीवर्स थे, वो क्या चाहते थे, पैसा चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पैसा तो दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी है अपनी गवर्नमेंट को लेटर लिखती थी कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट को नहीं कर पा रहे हैं, और किसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को कंट्रोल कर ले। तो पैसे की कमी नहीं थी, पैसे वीवर्स ने पैसा मांगा और ब्रिटिशर्स ने तुरंत हाथ आगे कर दिया कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें जिस भी वजह से, जिस जो भी काम करने हैं, ऑफकोर्स हम आपको लोन देंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन देंगे वीवर्स, क्योंकि वीवर्स के पास, वीवर्स को कॉटन खरीदना है, अपनी और भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए, उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट थी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें पैसा दिया, और पैसे देने के बदले लेकिन उन्होंने प्रॉमिस एक किया कि जब हम आपको पैसा देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ हमारे लिए ही आपको जो आप गुड्स बनाएंगे, जो कपड़ा बनाएंगे, वो सिर्फ हमारे लिए बनाएंगे। और इन्होंने एक और डिसीजन लिया कि जो भी एग्जिस्टिंग जो ट्रेडर्स थे, एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स, जैसे हम बात करें डच की, हॉलैंड की, कुछ एरियाज में फ्रेंच, हालांकि साउदर्न रीजन में पॉपुलर थे, उन्होंने अपना ऑक्यूपाई कर रखा था, लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन्स में उन्होंने एलिमिनेट कर दिए थे सारे के सारे जो अदर ट्रेडर्स थे। सो ये डिसीजन उन्होंने लिए। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो ट्रेडर्स, जो इन्होंने एक वीवर्स को कंट्रोल करने के लिए, वीवर्स को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया जिनको कहा गया गोमस्ताद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है ओवर गोमस्ताद, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, या गोमस्ताद व्हाट वर द कॉजेज ऑफ क्लैशेस बिटवीन गोमस्ताद एंड वीवर्स, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ क्लैशेस बिटवीन गोमस्ताद एंड वीवर्स, तो उसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ। जो गोमस्ताद थे वो पेड सर्वेंट थे, क्या थे, पेड सर्वेंट्स थे, और पेड सर्वेंट्स थे, इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि
आप जो भी वीवर्स हैं, वीवर जो भी बनाएंगे कपड़ा, उनको ऑर्डर करना है, उनको सुपरवाइज करना है कि किस तरह से वो हम जो क्वालिटी बता रहे हैं या वो टाइम पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और दूसरा उनसे ऑर्डर कलेक्ट करना है कि 1 महीने हमने ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर दे दिया कि इतना कपड़ा 1 महीने में चाहिए, तो वो एग्जामिन करते थे कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और 1 महीने के बाद जो ऑर्डर दिया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उसको कलेक्ट करते थे और एग्जामिन करते थे कपड़े की क्वालिटी। ये 3 काम थे गोमस्ताज के, क्या थे? फर्स्ट सुपरवाइज द वीवर्स, सेकेंड कलेक्ट द ऑर्डर, एंड थर्ड इज एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स। ये 3 काम गोमस्ताज करते थे। और यहाँ पे जो कई बार क्या होता था, उनमें क्लासेस हो जाते थे या तो वो काम कंप्लीट नहीं कर पाते थे, तो गोमस्ताज तो पेड थे, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती थी, वो नहीं सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, वो पेड सर्वेंट से वो स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे, वो अच्छा बिहेव नहीं करते थे इंडियन वीवर्स के साथ, वो कई बार उनको पीटते भी थे, मारते भी थे, डांटते भी थे, तो उनके साथ जो बिहेवियर था उनका सही नहीं था। और जो हमारे इंडियन वीवर्स थे, इंडियन वीवर्स बहुत परेशान हो गए थे इससे, और उन्होंने क्योंकि अब देखो आप वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है किस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल करके एस्टेब्लिश करने के बाद क्या डिसीजन लिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फर्स्ट तो एलिमिनेट एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स, अपॉइंटेड गोमस्ताज, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मैंने सिस्टम ऑफ एडवांस। सिस्टम ऑफ एडवांस क्या था, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एडवांस में वो वीवर्स को पैसा दे देते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब वो उस लोन को चुकाने के लिए जो वीवर्स होते थे उनको ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करना पड़ता था, वो मना नहीं कर सकते थे, राइट। अब वो मना नहीं कर सकते थे और उनकी जो कंडीशन थी बहुत ही मिजरेबल थी। कंडीशन मिजरेबल होने का रीजन क्या था कि अब वो मना कर नहीं सकते थे, और दूसरे जो मर्चेंट्स यानी कि पहले जो कंडीशन थी, पहले क्या कंडीशन थी, अभी प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे थे अपनी मर्जी से, ये जो प्राइस चाह रहे थे वो मर्चेंट्स को देना पड़ रहा था क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन था कि भाई जो ज्यादा रेट देगा हम उसको देंगे, लेकिन यहाँ पे अब वो बार्गेनिंग का राइट खो चुके थे। अब वीवर्स के पास बार्गेनिंग का राइट नहीं था, अब उनको क्या करना था कि काम करते रहो करते रहो करते रहो, आपको लोन दिया जा चुका है तो आप ब्रिटिशर्स के लिए ही काम करोगे, आप दूसरी कंपनी को अपना या दूसरे लोगों को, दूसरे मर्चेंट्स को अपना जो कपड़ा है वो सेल नहीं कर सकते और ना ही बार्गेनिंग कर सकते हो। और ब्रिटिशर्स कई बार बहुत ही कम प्राइस उनको देते थे वीविंग का, उनमें कमियां निकालते रहते थे, तो कई बार ये वीवर्स के लिए बहुत मिजरेबल कंडीशन थी। कई वीवर्स ने तो वीविंग का काम ही छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि चलो इससे अच्छा है, इतनी मेहनत करते और पैसा कुछ मिलता नहीं है, तो इससे तो अच्छा अपनी फार्मिंग का वर्क है, तो हम अपनी फार्मिंग का ही वर्क कर लेते हैं। ओके, सो वो फार्मिंग के वर्क में ही बिजी हो गए थे और कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस चीज का सही इफेक्ट नहीं पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में तो कई वीवर्स थे उन्होंने अपने हाथ भी काट लिए थे, तो सोचो मतलब कितनी दयनीय कंडीशन रही होगी, कैसी कंडीशन रही होगी कि वो कितने परेशान रहे होंगे मेंटली, वो कितने टॉर्चर्ड रहे होंगे, कितने वो जो अपने हाथ काट लेगा कि अब करवाएं हमसे वीविंग का काम, कैसे करवाते हैं, यानी कि कितना टॉर्चर हुआ होगा, उन्हें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था। और कुछ वीवर्स क्या थे, कुछ वीवर्स गांव छोड़ के ही चले गए, शहर उनके कोई नॉन थे तो वो सोच रहे थे कि कहीं हमें और दूसरा काम मिल जाएगा तो हम वो काम कर लेंगे, लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखा कि एक तो एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल जो कि इतनी अच्छी कंडीशन थी, इंडिया एक सोने की चिड़िया था, अच्छा टेक्सटाइल, अच्छा व्यापार चल रहा था, और दूसरा हमारा जो ये सबसे पहला जो स्टेप था जहां पे कहीं ना कहीं कमी आई, वो पोर्ट्स, जो नई पोर्ट डेवलप हो गई बॉम्बे और कलकत्ता और सूरत और मसूलीपट्टनम और हुगली, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो वीवर्स हैं उनके साथ क्या हुआ, उनकी कंडीशन आना, हालांकि पोर्ट आने से भी उनकी कंडीशन कोई डाउन नहीं है क्योंकि यहाँ इसका कोई कंपैरिजन नहीं था, ये लोग अपना कपड़ा बनाते थे, सब कुछ कर रहे थे। सबसे मेन जो एक ट्विस्ट आया वो कब आया, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल पावर ब्रिटिशर्स ने जब अपने कंट्रोल में ले ली आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, एकदम ट्विस्ट हो गया, सारा खेल पलट गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो आपका एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है, विच पोर्ट वाज डेवलप्ड इन रिप्लेस ऑफ सूरत एंड हुगली, कौन सी पोर्ट डेवलप की गई सूरत और हुगली की जगह, या सूरत और हुगली का जो ट्रेड था उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सी पोर्ट डेवलप की गई, या क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विच पोर्ट डेक्लाइन द ट्रेड ऑफ सूरत एंड हुगली। ओके, सो आपको ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। नाउ
we are going to discuss next our next topic, that is Manchester, about Manchester. We will discuss in next video. Till then, thank you. Have a good day ahead.